सब्सक्राइब कीजिए विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों विंग्स लाइन सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक न्यूज और टेक अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी न्यूज और अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आगे भी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय न बताते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे MI 12 का जो ग्लोबल लॉन्च है उसकी जो डेट है एक्सपेक्टेड मई 19 सामने आई है, यानी मई 19 को ये जो OS है हमारे सामने आ सकता है। इसके अलावा इसमें एक नया फीचर भी आने वाला है जिसका नाम है कॉस्मेटिक फीचर्स। उसके अलावा इसमें कई सारी और प्राइवेसी रिलेटेड चेंजेस भी हुए हैं। इस कंपनी ने कई सारे फ़ोन्स की लिस्ट भी शेयर की है जिसमें सबसे पहले ये जो अपडेट है आने वाला है इनमें फ़ोन इंक्लूडेड है MI 10 Pro, MI 10, MI 10 Youth Edition, MI 9 Pro, MI 9N और कई सारे फ़ोन इसमें इंक्लूडेड है। इसमें दो बैच में आएंगे अपडेट्स, एक फर्स्ट बैच और एक सेकंड बैच। जो मैंने आपको अभी बताया वो फर्स्ट बैच था। तो इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड 10 लाइक नेविगेशन गेस्चर्स भी मिलेंगे और भी कई सारे चेंजेस मिलेंगे विजुअल और ग्राफिक्स को लेकर। दोस्तों बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की। तो यहाँ पर रेडमी 9 का जो लॉन्च है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, तो उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन भी सामने आ रही है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेडमी 9 के अंदर एक 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको एक क्वाड क्लियर कैमरा मिल सकता है जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर होगा और साथ में इसके अंदर आपको मीडियाटेक हेलो 6G80 का SoC का सपोर्ट भी मिलेगा जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर रियलमी X3 की लॉन्च भी पास आ रही है, इसके बारे में कई सारी स्पेसिफिकेशन सामने आई है। जैसे कि इसका जो मेन हाईलाइट है सुपर जूम, जिस फोन में बेसिकली इस पर काम हुआ है वह है 60x जूम। मतलब ये स्मार्टफोन आपको 60x जूम प्रोवाइड करा सकते हो, आज तक कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं करा पाया। अगर सच में ये इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको जूम प्रोवाइड करा सकता है तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में हम DSLR के साथ कंपेयर अपने स्मार्टफोन्स को कर पाएँ, पर बेसिकली ये सब पता चलेगा इसके आने के बाद। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल मोड भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कहते हैं स्टडी मोड। स्टडी मोड स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि आप नाइट स्काई की अगर फोटो लेना पसंद करते हैं तो ये आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और काफ़ी अच्छी पिक आपके लेने में मदद करेगा। उसके अलावा इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है रियर कैमरा में। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और साथ में 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिंग सेंसर भी रियर कैमरा में आपको मिल जाता है। और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं ड्यूअल सेल्फी कैमरा जिसके अंदर आपको एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे पोको का जो लेटेस्ट मॉडल आने वाला है उसके बारे में कई सारे रूमर्स भी है और कई जगह से ये पक्का लग भी रहा है कि आने वाला है, क्योंकि जो पोको है उसने एक ग्लोबल इवेंट कंफर्म किया है, पोको की तरफ से कंफर्म हुआ है जो मई 12 को होने वाला है। और बेसिकली यही आशा है कि इस लॉन्च इवेंट के अंदर हमें पोको F2 या फिर और कोई पोको का लेटेस्ट डिवाइस देखने को मिले। और जहाँ तक F2 की बात करते हैं तो यहाँ पे माना जा रहा है कि F2 लॉन्च होगा और 2 वेरिएंट्स के साथ होगा, एक 6GB रैम और 128GB वाला और उसके अलावा एक 8GB रैम और 256GB वाला। दोस्तों बात करते हैं लास्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है अपने 30W का वायरलेस चार्जर, पर इसमें जो मेन हाईलाइट है वो है इसका कूलिंग फैन। हाँ, इस चार्जर के अंदर एक कूलिंग फैन भी इंक्लूडेड है जो चार्जर को हीट से बचाता है। उसके अलावा ये प्री ऑर्डर के लिए इंडिया में अवेलेबल हो गया है, उसकी कॉस्ट है 1999। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स आगे पाने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वायरी हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देखते रहिए विंग्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। स्टे अपडेटेड फ्रॉम टेक।